नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है। आज बात करेंगे ओरिना पावर के बारे में। ओरिना पावर आज के दिन इसमें 5% का एक लोअर सर्किट लग गया है, क्योंकि लिमिट ही इसका ना प्राइस बैंड 5% का है, तो 5% इसने पूरा सेलिंग देखने को मिल रहा है। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट अपडेट आया है, यहाँ पे ना एक बोर्ड मीटिंग होने वाली है ओरिना पावर का, जो कि 9 जून को होगा और ये संडे का दिन आता, तो इसमें बोर्ड मीटिंग में क्या अनाउंसमेंट हो सकता है वो भी हम अगले वीडियो में बात करेंगे। और अभी क्या किया जा सकता है, देखिए इस गिरते हुए मार्केट में ना 5% का तो आज लोअर सर्किट मारा ही है, साथ में ना एक पोजीशन भी बन रहा है 1,11,450 क्वांटिटी ऑफ शेयर्स की ना सेलिंग पोजीशन बनी है। मतलब कि आज के दिन तो 5% सर्किट लग गया, कल के दिन भी हमको ना एक लोअर सर्किट मारते हुए देखने को मिलेगा, तो मार्केट में एक तो दबाव देखने को मिल गया। दबाव का कारण क्या रहा इसमें, तो मूवमेंट ना 2000 के लेवल जब हमने बात किया था तब गिर रहा था, बताया था कि 2000 से आपको अपसाइड देखने को मिलेगा, तो 2000 से इसने अपसाइड भी गया, एक मूवमेंट अपसाइड गया। बाद में एग्जिट पोल के हिसाब से रिजल्ट नहीं आया बीजेपी के सरकार का, जिस वजह से मार्केट ने निगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट किया और कंटिन्यू एक सेलिंग देखने को मिला निफ्टी में। कल के दिन 7% का गिरावट रहा, और आज के दिन कल के दिन को देखो तो कल भी 5% का लोअर सर्किट रहा ओरिना पावर में, और आज भी 5% का लोअर सर्किट है। तो ये सर्किट जो है ना अभी और भी आगे दिन हमको देखने को मिल सकता है, तो अभी भी हमारे पास एक मजबूत सपोर्ट लेवल सेम 2000 का है इस गिरते हुए मार्केट में। अगर कल के दिन ये लेवल ब्रेक कर देता है, क्योंकि कल ही ब्रेक हो जाएगा, जैसे आज के दिन 5% का लोअर सर्किट लगा तो कितना पॉइंट गिरा, तो 109 पॉइंट का गिरावट देखने मिला, तो कल के दिन अगर एक लोअर सर्किट लगता है तो ज़रूर है इसमें 100 पॉइंट तक का गिरावट रहेगा। तो ये लेवल जैसे ब्रेक करता है तो समझ लेना यहाँ पर आपको ना भारी भरकम सेलिंग देखने को मिल सकता है। तो इस वक्त जो दूसरा सपोर्ट लेवल रहेगा 1600 रुपये का, और इस वक्त एक और चीज़ देखने को मिल रहा है, जो स्टॉक पहले से भागा हुआ है, जैसे ये स्टॉक को लेकर बात करूँ, यहाँ पर देखिए कितना अच्छा मूवमेंट दिया, तो जो स्टॉक भाग गया है उसमें ना प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रहा है, और जो स्टॉक नहीं भागा है उसमें ना एक रैली देखने को मिल रहा है। जैसे अगर बात किया जाए तो इस वक्त ना IT सेक्टर हो, FMCG सेक्टर हो, ये सेक्टर भाग रहे हैं, तो इस वजह से अभी यहाँ पर हमको एक दबाव देखने को मिल सकता है। तो बाय सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं। जय हिंद।